यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय आठ। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय आठ। फिर छठवें वर्ष के छठवें महीने के पांचवें दिन को जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई और मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है। उसकी कमर से नीचे की ओर आग है और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था जिसके कारण द्वेष उपजाता है। फिर वहां इस्राएल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था जैसा मैंने मैदान में देखा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देख। सो मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक के उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान ही में वह डाह उपजाने वाली प्रतिमा है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इस्राएल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहां करता है ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं? परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि भीत में एक छेद है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, भीत को फोड़। सो मैंने भीत को फोड़कर क्या देखा कि एक द्वार है। उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देख कि ये लोग यहां कैसे कैसे और घृणित काम कर रहे हैं। सो मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की भीत पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं, घृणित पशुओं और इस्राएल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं और इस्राएल के घराने के पुरनियों में से 70 पुरुष जिनके बीच में शापान का पुत्र याजन्याह भी है, वे उन चित्रों के सामने खड़े हैं और हरेक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए है और धूप के धुएं के बादल की सुगंध उठ रही है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इस्राएल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्शा वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। फिर उसने मुझसे पूछा, तू इनसे और भी अतिघृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था और वहां स्त्रियां बैठी हुई तम्मूज के लिए रो रही थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर इससे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतर आंगन में ले गया और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहां करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहां आकर मुझे रिस दिलाते हैं। वरन वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए रखते हैं। इसलिए मैं भी जलजलाहट के काम करूंगा, न मैं दया करूंगा और न मैं कोमलता करूंगा, और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्दों से पुकारे तो भी मैं उनकी बात न सुनूंगा।